हेलो गाइज, मेरा नाम है सुम, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। ये है मेरे पास पोको X5 प्रो स्मार्टफोन और इस स्मार्टफोन में आपको बहुत सारे हिडन फीचर और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं, जैसे कैमरा के अराउंड लाइटिंग इफेक्ट वाला फीचर, एज लाइटिंग के फीचर, AI इमेज एनहांसमेंट वाले फीचर, MEMC वाले फीचर और वगैरह वगैरह बहुत सारे इसमें हिडन फीचर और टिप्स एंड ट्रिक्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि आई थिंक आपको नहीं पता होंगे। जी हाँ, अगर आप पोको X5 प्रो ले रहे हैं या लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक वॉच करते रहिएगा, आपको सभी फीचर्स के बारे में पता लग जाएगा। बस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक ही बात बोलना चाहूंगा, वीडियो में जाके वैल्यू लगे तो वीडियो को एक लाइक कर सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले फीचर की बात किया है तो वो आपको देखने को मिलता है इसके मोबाइल की सेटिंग में। जैसे मोबाइल की सेटिंग में जाओगे और एडिशनली सेटिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे देखते हैं हॉट रेट वाला फीचर आपको देखने को मिलता है। जी हाँ, ये पहला डिवाइस है जिसके अंदर आपको यहाँ पे सेटिंग के अंदर ही आपको हॉट रेट वाला फीचर देखने को मिलता है। बस आपको कैमरा को पूरा कवर करके रखना है, उसके बाद ये मेजर करके देगा आपको हॉट रेट आपके कितना देखने को मिलता है। बस आपको हाथ को पूरा पूरा स्टेबल रखना पड़ेगा, उसके बाद ये रिजल्ट आपको ला के दे देगा। तो देखते हैं, फाइनली इसने मेजर करके दे दिया है। देखते हैं हार्ट रेट और व्यू रिपोर्ट पे करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से रिजल्ट निकल देता है। हार्ट रेट वाला फीचर इसमें देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट उस फीचर की बात की तो इस फोन के अंदर यहाँ पे कीबोर्ड एंड माउस से यहाँ पे गेमिंग वगैरह करना चाहते तो कर सकते हो। जी हाँ, कोई भी एप्लीकेशन को एक्सेस करना चाहते तो कर सकते हो। जैसे कि मैं OTG के थ्रू इसको कनेक्ट कर लेता हूँ अपने फोन के अंदर। देखते हैं OTG के थ्रू कनेक्ट करने के बाद देखते हैं माउस से मैं अपने फोन को कंट्रोल कर रहा हूँ, और कीबोर्ड है तो कीबोर्ड भी कनेक्ट कर सकते हैं, और गेम वगैरह खेलना चाहते हैं तो गेम भी खेल सकते हैं। तो कुछ इस प्रकार का ये आपको इसमें सपोर्ट देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो अपने होम स्क्रीन पर जैसे आप पिंच आउट करोगे, पिंच आउट करने के बाद जो आइकन जहां पे आपको रखने हैं वहीं पे करने के लिए अपने फोन को शेक करना पड़ेगा। देखते हैं आइकन इधर से उधर हो चुके हैं, मैं अपने फोन को यहां पे देखते हैं शेक करूंगा, और शेक करने के बाद देखते हैं जहां के आइकन है ऑटोमेटिकली वहीं के वहीं चले जाते हैं। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहां प्रेस एंड होल्ड आप जैसे ही करोगे और यहां पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिलता है। जैसे कि आप बोर हो चुके हैं, मैंने ये वाला कर रखा है, अगर यू क्यू वाला करोगे तो कुछ इस टाइप में ये ट्रांजिशन इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा, तो इसको आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज की बात किया तो वो आपको ऐप ड्रॉअर पे देखने को मिलता है। जैसे ऐप ड्रॉअर में जाता हूं, अब यहां पे लेफ्ट साइड में 3 बार मैं स्वाइप करता हूं, जैसे कि 3 टाइम मैं स्वाइप करूंगा तो यहां पे हिडन ऐप मुझे देखने को मिलेगा, और यहां से मैं किसी भी ऐप को हिडन कर सकता हूं। तो किसी भी ऐप को हिडन करना चाहते तो इस गेस्चर का आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलता है मोबाइल की सेटिंग में। जैसे मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, नीचे की ओर स्क्रॉल करोगे तो यहां पे मिलेगा एडिशनली सेटिंग का ऑप्शन। एडिशनली सेटिंग में जाने के बाद यहां पे आपको मिलेगा एजबिलिटी का ऑप्शन। एजबिलिटी में जाने के बाद यहां पे एजबिलिटी मेनू का एक ऑप्शन आएगा, इसको हम क्लिक करेंगे, अलो करेंगे तो यहां पे देखेंगे एक और बटन यहां पे ऐड हो चुका है। अब ये बटन बेसिकली क्या करता है, इस पे क्लिक करोगे, यहां पे मान लो काफी सारी चीजें आपको क्यू कैसेस करनी है, वॉल्यूम को कम ज्यादा करना है, एक हाथ से काम कर रहे हो तो यहां पे इस बटन का आप यूज कर सकते हो, ऑन करके रख सकते हो, साइड में रहेगा, और इसको कस्टमाइज करना चाहते हैं वो भी आप कर सकते हो। मोर सेटिंग में जाके यहां पे कितना ट्रांसपेरेंट रहना चाहिए, कितना फेड होना चाहिए, तो ये चीजें आपको देखने को मिल जाती है। जी हां, इसका यूज करना चाहते तो बेसिकली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर भी आपको यहाँ पे देखने मिलता है एडिशनली सेटिंग के अंदर। जैसे ही जाओगे यहाँ पे मिलेगा गेस्चर एंड शॉर्टकट का ऑप्शन। जी हाँ, बैक टैप का फीचर भी इसके अंदर आपको देखने मिलता है, इस पर आप क्लिक करोगे और यहाँ पे देखते हैं डबल टैप पे मैंने कंट्रोल सेंटर सेट कर रखा है, ट्रिपल टैप में यहाँ पे कैलकुलेटर मैंने सेट कर रखा है, और बैक साइड में यहाँ पे टैप आपको करना है। जैसे कि आईफोन वगैरह में आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं 3 टाइम मैं टैप करूंगा, यहाँ पे दिखा देता हूँ, 3 टाइम मैंने टैप किया तो कैलकुलेटर ओपन हो चुका है। इसी प्रकार से आप डबल टैप करोगे बैक तो कंट्रोल सेंटर ओपन हो जाएगा, मतलब जो भी आप सेट करोगे वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देखते हैं डबल टैप टू फिंगरप्रिंट सेंसर, इस पे भी आप जो भी सेट करना चाहते हो कर सकते हो। जैसे कि मैं कैलकुलेटर सेट कर देता हूं, कैलकुलेटर सेट करने के बाद यहां पे डबल टैप करूंगा फिंगरप्रिंट सेंसर पे तो कैलकुलेटर ओपन हो जाएगा। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फीचर आपको देखने को मिल जाता है। 3 फिंगर से स्क्रीनशॉट तो आप ले ही सकते हैं, लेकिन एक फीचर आपको और देखने को मिलता है, पार्सल स्क्रीनशॉट का फीचर। यहां पे 3 फिंगर आपको प्रेस एंड होल्ड करके रखना है, उसके बाद कस्टम स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। मतलब छोटा सा एक स्क्रीनशॉट लेना है या आपको अपने शेप के हिसाब से जो भी स्क्रीनशॉट लेना है वो आप इसके अंदर ले सकते हो, है ना, काफी अमेजिंग फीचर। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो भी आपको देखने मिलता है यहाँ पे मोबाइल की सेटिंग में। मोबाइल की सेटिंग में जाओगे, एडिशनली सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे मिलेगा आपको क्लियर स्पीकर का ऑप्शन। इसको ऑन करके मान लीजिए आप काफी टाइम से अपने फोन को यूज कर रहे हैं, 2-3 महीने बाद मतलब आपका स्पीकर की आवाज थोड़ी कम हो तो उसमें धूल कण फंस जाते हैं, तो क्लियर स्पीकर ऑन करोगे तो ऐसी साउंड वाइब्रेट करेगा 30 सेकंड तक, जो भी धूल कण इससे निकालने की कोशिश करेगा वो आपके यहाँ पे निकाल देगा। तो ये आपको देखने मिलता है क्लियर स्पीकर का फीचर, इसका भी यूज करना है तो कर सकते हैं बेसिकली। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर भी इसमें देखने मिलता है। मान लीजिए आप कोई गेमिंग वगैरह करना चाहते हो, गेमिंग करते हो उसमें स्क्रीन रिकॉर्डिंग करना चाहते हो तो इसमें आप आसानी से कर सकते हो। ये फीचर आपको टॉगल में एक्सेस करने का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, स्क्रीन रिकॉर्डिंग का फीचर, है ना, काफी इंटरेस्टिंग फीचर, तो ये भी यूज करना है तो कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो यहां पे आपको देखने को मिलता है फ्लोटिंग विंडो का फीचर। फ्लोटिंग विंडो क्या है, जैसे कि इस पे क्लिक कीजिए, साइड बार का एक ऑप्शन देखने को मिलता है ऑलवेज शो पे आप क्लिक कर दीजिए, और यहां पे देखते हैं इसको आप यहां पे देखते हैं कुछ इस टाइप में स्वाइप करोगे तो
यहाँ पे देखते हैं किसी भी चीज को फ्लोटिंग विंडो में यहाँ से ओपन कर सकते हो, यहाँ से कहीं से भी ड्रैग करना है, छोटी सी विंडो में रखना है, और यहाँ पे एक साथ दो तीन एप्लीकेशन यूज करनी है वो चीज आप यहाँ पे कर सकते हो। देखते छोटी सी विंडो में ओपन हो जाता है, तो ये आपको साइड बार वाला फीचर आपको देखने को मिल जाता है। और इसमें एक वीडियो टूल बॉक्स का फीचर भी देखने को मिल जाता है, साइड बार अलग है, वीडियो टूल बॉक्स अलग है। जैसे कि मैंने यहाँ पे इसको यूट्यूब पे ओपन कर रखा है, मान लीजिए एक और एप्लीकेशन पे हम कर लेते हैं, गैलरी पे हम कर लेते हैं, और गैलरी में हम चाहते हैं मैं गैलरी पे टैप करता हूँ, गैलरी में टैप करने के बाद यहाँ से मैं स्वाइप करता हूँ, तो यहाँ पे देखते हैं वीडियो टूल बॉक्स ओपन हो चुका है। देखते हैं अब इसके अंदर साउंड को कस्टमाइज कर सकते हैं, मतलब सस्ते भी ईयरफोन है ना, उसके अंदर भी यहाँ पे साउंड को काफी ज्यादा इनहेंस आप कर सकते हैं। डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट देखने को मिलता है, 1, 2, 3 जो भी आपको इसका अच्छा लगता है वो अपने हिसाब से इसको कर सकते हैं। स्टाइल का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, कलर आपको चेंज करना है, एक्सपीरियंस आपको अलग लेना है वो अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो वीडियो टूल बॉक्स वाला फीचर काफी ज्यादा यूजफुल है जी हाँ, तो ये चीज भी आप यूज करना है तो बेसिकली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो ये भी आपको एडिशनल सेटिंग भी देखने को मिलती है, मेमोरी एक्सटेंशन का फीचर भी आपको इसमें देखने को मिल जाता है। मान लीजिए आपके फोन के अंदर मतलब थोड़ी हाई परफॉर्मेंस ज्यादा गेमिंग वगैरह करते हो तो 5 GB रैम एक्सटेंड कर सकते हो, मतलब आपके फोन में 6 GB आपने बाय किया तो 6 GB प्लस 5 GB 11 GB इसके अंदर रैम हो जाएगी। तो ये कुछ आपको फीचर देखने को मिलता है, अपने यूजर्स के हिसाब से इसका यूज कर सकते हैं। एक फोन में दो यहाँ पे फोन यूज करना है तो सेकंड स्पेस का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है, तो ये बेसिकली काफी अच्छा फीचर देखने को मिलता है। और फुल स्क्रीन डिस्प्ले का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। अब देखते हैं मेरा फोन यहाँ पे बटन पे, बिना बटन के करना चाहता तो बिना बटन के भी अपने फोन को यूज कर सकता हूँ जी हाँ, तो कुछ इस टाइप में देखने मिलता है। और हाइड फुल स्क्रीन इंडिकेटर देखने मिलता है, इसको ऑफ कर दोगे तो बिना बैक जाए एक ऐप से दूसरे ऐप में आप स्विच हो सकते हो आसानी से, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और बटन का स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हो, मान लीजिए ये बैक बटन आपको इधर करना है तो ये इस पे क्लिक कीजिए, ये बैक बटन रिफ्लेक्ट हो जाएगा दूसरी साइड में, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। जो भी यूज करना है तो कर सकते हैं, मेरे को बिना बटन वाला थोड़ा अच्छा लगता है, जैसे कि इसके अंदर आप यहां से बैक जा सकते हो, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है यहां पे ऐप्स के अंदर, ऐप्स के अंदर इस फोन के अंदर ऐप लॉक भी लगा सकते हैं कोई भी थर्ड पार्टी ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं। और ड्यूल ऐप्स का फीचर भी देखने मिलता है, सभी फोनों में होता है लेकिन एक चीज आपको दिखाऊं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये ड्यूल ऐप है, इसको आप यहां पे ड्यूल कर देते हैं क्रिएट करने लग जाएगा, थोड़ा सा टाइम लगता है फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम करोगे तो बहुत जल्दी कर देगा। और यहां पे एक चीज दिखाता हूं, सेटिंग के अंदर लॉन्च एनिमेशन का ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब आपको ट्रांसपेरेंसी मिलेगी किसी भी ऐप को ओपन करोगे इसको ऑन करके, तो ये देखते हैं एनिमेशन आता है, ये देखते हैं तो ये एनिमेशन ऑन करके रखोगे तो आपको पता लगेगा कि ये ड्यूल ऐप में ओपन हो रहा है। कई बार पता नहीं लगता ना हम कौन सी एप्लीकेशन में ओपन कर रहे हैं, तो यहां पे एनिमेशन का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है जी हां, तो ये काफी कमाल का फीचर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो इस बैटरी के अंदर दो ऑप्शन देखने को मिलते हैं, बैटरी सर्वर, अल्ट्रा बैटरी सर्वर। मान लीजिए आपके फोन में 15 से 20% बैटरी है तो बैटरी सर्वर का यूज कर सकते हैं, और अल्ट्रा बैटरी सर्वर का बहुत कम बैटरी परसेंटेज है तो इसके अंदर आप मैंने लिमिटेड ऐप्स को यूज कर सकते हैं लेकिन बैटरी थोड़ी ज्यादा समय तक चल जाएगी जी हाँ, तो ये उस टाइम आप यूज कर। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के अंदर। पासवर्ड एंड सिक्योरिटी में आप फिंगरप्रिंट आपने यूज किया होगा तो इसके अंदर इसको आप टच पे एंड प्रेस पे कर सकते हैं, जैसे कि प्रेस पे करोगे तो यहाँ पे फिंगरप्रिंट अनलॉक करने के लिए हमें पूरा प्रेस करना पड़ेगा, तो मैंने इसको टच पे कर रखा, बस फिंगरप्रिंट को टच करो अनलॉक हो जाएगा, तो अपने हिसाब से इसको चेंज करना चाहते हो तो बेसिकली आप कीजिए यार। नेक्स्ट फीचर की बात की जाए तो वो आपको देखने मिलता है होम स्क्रीन के अंदर। होम स्क्रीन के अंदर काफी सारे फीचर आपको देखने मिलते हैं, सबसे पहले ब्लर ऐप प्रीवियस। ब्लर ऐप प्रीवियस क्या है, मान लीजिए गैलरी पे मैंने इसको ऑन कर दिया, कैमरे पे ऑन कर दिया, कैमरे को मैं ओपन कर लेता हूं और कैमरे के यहां पे जल जाता है, तो ये चीज देखते हैं ब्लर हो चुकी है। रिसेंट में आप क्या यूज कर रहे हो पता नहीं लगेगा यहां पे, और देखिए गैलरी भी यहां पे पूरी पूरी ब्लर हो जाएगी और प्राइवेसी का एक ऑप्शन आ जाएगा, तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। रिसेंट टैब को आपको ब्लर करना है तो इसमें ब्लर का भी सपोर्ट आपको देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो अरेंज आइटम रिसेंट का ऑप्शन देखने को मिलता है। हॉरिजॉन्टल पे कर दीजिए आपका देखते हैं रिसेंट मेन्यू कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा, वर्टिकल में कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। मेरे को हॉरिजॉन्टली काफी सही लगता है तो मैं हॉरिजॉन्टली पे इसको सेट कर लेता हूं, बाकी आपकी मर्जी है। और यहां पे नेक्स्ट फीचर की बात की तो डबल टैप टू लॉक स्क्रीन, इसको ये सभी फोन में पाया जाता है, डबल टैप करोगे तो आपका फोन लॉक हो जाएगा, तो कुछ इस टाइप में ये फीचर देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो भी आपको देखने को मिलता है सेटिंग में। सेटिंग में जैसे जाएंगे होम स्क्रीन के अंदर जाएंगे देखते हैं एनिमेशन स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं, फास्ट पे करेंगे किसी भी ऐप को ओपन करोगे काफी फास्ट एनिमेशन देखने को मिलेगा, बाकी मुझे स्मूथ वाला काफी अच्छा लगता है जो कि रिलैक्स वाला है, मतलब एनिमेशन का बिल्कुल पता लगता है यार, देखते हैं मतलब बिल्कुल ऐसा लगेगा बहुत स्मूथ चल रहा है, ठीक है। तो ये कुछ आपको देखने को मिलता है, तो जो भी आपको करना है कर सकते हैं, ऐप ड्रॉपर के कुछ सेटिंग वगैरह कर सकते हैं तो वो अपने हिसाब से कर लेना। और यहाँ पे बैकग्राउंड का जो स्टाइल है ट्रांसपेरेंट रखना व्हाइट रखना है तो वो अपने हिसाब से कर सकते हैं, जैसे कि आपको पूरा ट्रांसपेरेंट करना है तो अप्लाई कीजिए, ये पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ये व्हाइट व्हाइट नहीं दिखेगा, तो ये चीज अपने हिसाब से कर लीजिए। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग में। जैसे मोबाइल की सेटिंग में जाओगे नोटिफिकेशन कंट्रोल सेंटर का ऑप्शन देखने को मिलेगा। कंट्रोल सेंटर स्टाइल पे जाओगे आप यहाँ पे, मान लीजिए आपका ओल्ड वाला है तो ओल्ड वाला कुछ इस टाइप में ये देखने को मिलता है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, लेकिन मुझे नए वाला काफी अच्छा लगता है, जो कि जैसे लगता है बिल्कुल आईफोन वगैरह देखने को मिलता है। और डार्क मोड में इसका देखते हैं कुछ इस टाइप में इफेक्ट देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा अच्छा है यार। और यहाँ पे देखते हैं कुछ वॉल्यूम कंट्रोल यहीं से आप कर सकते हो, तो नया कंट्रोल सेंटर मुझे काफी अच्छा लगता है, ये वाला आप यूज कर सकते हो।
सकते हो अगर आपको पसंद है तो। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो ये भी आपको यहीं पे देखने को मिलता है, नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिए, स्टेटस बार में जाइए, नोच को हाइड करना है। देखते हैं ये नोच है पंचोल, इसको हाइड करना है भाई, हाइड हो चुकी है पंचोल पता ही नहीं लग रहा, तो इसको हाइड करना है तो हाइड भी कर सकते हैं। ये भी अच्छा देखने मिलता है। 100 कनेक्शन स्पीड को ऑन कर लीजिए जब भी फोन कर लीजिए, तब ताकि आपको नेट की स्पीड बताए कितनी आ रही है ऊपर, तो ये जब भी फोन कर ले तो ये सेटिंग तो जरूर से जरूर आप कर लीजिएगा। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है डिस्प्ले के अंदर। डिस्प्ले में आप देखते हैं यहाँ पर डार्क मोड का सपोर्ट भी देखने मिलता है। अब पता है इसमें एमोलेड डिस्प्ले तो डार्क मोड ऑन करके रखिए। डार्क एमोलेड डिस्प्ले में डार्क मोड का क्या फायदा होता है, जहां पर ब्लैक पार्ट आते हैं अंदर की लाइट ऑफ हो जाती है जिससे बैटरी कम कंज्यूम होती है, तो ये चीज आपको देखने मिलती है। टेक्स्ट को डार्क करना, वॉलपेपर को डार्क करना वो भी आप कर सकते हैं, किसी भी ऐप को भी डार्क करना है तो वो भी इसके अंदर आसानी से कर सकते हैं, है ना, काफी इंटरेस्टिंग। और यहाँ पे मैं लाइट मोड कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से दिखे। और यहाँ पे रीडिंग मोड का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है, और इसको ऑन करके अगर आप पेपर करना चाहते हैं पेपर जो है तो वो आप उस हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं, जिस हिसाब से आप स्टडी वगैरह कर रहे हैं उस हिसाब से भी इसको कस्टमाइज वगैरह कर सकते हैं जी, ताकि आंखों पे आपके कम इफेक्ट पड़े, आंखों में कम पानी है। रिफ्रेश रेट का ऑप्शन देखने को मिलता है डिफॉल्ट के अंदर, ऑटोमेटिकली ये आपका 90 हर्ट्ज की जरूरत पड़ेगी 90 हर्ट्ज लेगा, 120 हर्ट्ज की जरूरत पड़ेगी 120 हर्ट्ज लेगा, और अपने हिसाब से इसको कस्टमाइज भी कर सकते हैं 60 हर्ट्ज एंड 120 हर्ट्ज। देखते हैं कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है, तो मैं डिफॉल्ट पे रखता हूं ताकि बैटरी थोड़ी कम जाए, जहां पे जो जरूरत पड़े वो आपको वहां पे यूज करेगा। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने को मिलता है यहीं पे, जैसे कि कलर आपको चेंज करना है तो इस कलर भी आप चेंज कर सकते हो, कलर अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। फीचर की बात किया तो वो आपको कैमरा के अंदर देखने को मिलता है। कैमरा के अंदर जैसे जाएंगे इस पे क्लिक करेंगे और सेटिंग बटन पे आप टैप करेंगे और यहां पे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे, कस्टमाइजेशन का ऑप्शन देखने मिलता है, मतलब कैमरा को भी कस्टमाइज कर सकते हैं। साउंड देखते हैं, सबसे पहले फोटो क्लिक करते वक्त किस प्रकार का साउंड आना चाहिए, इस प्रकार का, इस प्रकार का, इस प्रकार का, मैं डिफॉल्ट रखता हूँ, बाकी आप जो पसंद आता है वो कर लीजिए। कलर आपको चेंज करना है, बोर हो रहे भाई कलर चेंज करो, यहाँ पे देखते हैं जो भी आपका फ्रेम का कलर है, कैमरा का लेआउट है, वो कलर चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे कैमरा मोड्स के अंदर यहाँ पे मोर लगा दूंगा ना, तो यहाँ पे मेरे को ज़्यादा इधर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दिखाता हूँ, जैसे कि इधर मेरे को जाने की जरूरत नहीं है, सारे फीचर मुझे यहीं से नीचे भी देखने को मिल जाएंगे, और इसमें और भी एडिट करके आप ऐड वगैरह कर सकते हो, तो है ना काफ़ी अमेजिंग चीज़ ये। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो कुछ हिडन फीचर देखने को मिलता है, जिसको फाइंड करने के लिए आपको प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी जिसका नाम है एक्टिविटी लॉन्चर। डाउनलोड करके अपने फोन के अंदर ओपन कर लीजिए, जैसे ही ओपन करोगे तो यहाँ पे आपने जो फीचर एक्सपेक्ट नहीं किया ना वो भी इसमें फीचर देखने को मिलते हैं, पोको वाले ने डाल के दिए। AI यहाँ पे सर्च करना है, AI HDR, और यहाँ पे देखते हैं AI HDR एनहांसमेंट का फीचर भी आपको देखने को मिल जाता है। इसको ऑन करने के बाद बता रहा वीडियो कुछ इस टाइप में आपको चलने को देखने को मिलेगी, वीडियो का कलर्स काफी अच्छे हो जाएंगे, तो कुछ इस टाइप में देखने को मिलता है। और बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में नहीं जाना तो क्रिएट शॉर्टकट पर क्लिक कर लीजिए, आपका शॉर्टकट क्लियर हो जाए। अगर शॉर्टकट क्रिएट ना हो तो सेटिंग में जाइए एक्टिविटी लॉन्चर के, और अदर सेटिंग में होम स्क्रीन परमिशन को आपको ऑलवेज अलो कर देना, उसके बाद इसका शॉर्टकट डेफिनेटली क्रिएट हो जाएगा। नेक्स्ट फीचर आपको देखने में मिलता है AI इमेज एनहांसमेंट। जी हाँ, अब इस पर क्लिक करते हैं, जैसे कि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये फीचर भी आपको देखने को मिलता है। इसके अंदर इमेज की जो कलर्स है काफी अच्छे आपको देखने को मिलेंगे, यहाँ पे इसका भी शॉर्टकट क्रिएट कर लीजिए और आपके आइकन ये आ जाएगा। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है MEMC वाला फीचर। बार बार एक्टिविटी लॉन्चर में जाने की जरूरत नहीं है, बस यहाँ से इसको अनेबल करना है और डायरेक्ट शॉर्टकट बना लीजिए, आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं। MEMC में क्या होगा, वीडियो की स्मूथनेस काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी, काफी अच्छा एक्सपीरियंस देखने को मिलेगा, तो ये चीज आपको देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट फीचर की मैं बात करूं तो वो आपको देखने मिलता है यहीं पे, यहां पे हम सर्च करते हैं, यहां पे देखते हैं नोटिफिकेशन, हम सर्च करेंगे यहां पे नोटिफिकेशन, और यहां पे हिस्ट्री आप सर्च करना, और यहां पे नोटिफिकेशन हिस्ट्री का एक ऑप्शन देखने को मिलेगा। अब इसको ऑन कर दोगे तो बहुत सारी नोटिफिकेशन, इसको आप स्वाइप कर दो यहां से, और यहीं से आप इसको चेक कर सकते हो जो जो नोटिफिकेशन आई थी, मतलब बाय मिस्टेक होती है ना नोटिफिकेशन इधर से उधर स्वाइप हो जाती है, तो इसको आप चेक कर सकते हो यार, तो ये काफी अमेजिंग फीचर आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट फीचर की बात किया तो ये भी आपको हिडन देखने को मिलता है, इसके लिए सर्च करना पड़ेगा, और ये काफी कमाल का फीचर है। CUSTOM ऑप सर्च करेंगे कस्टम, और यहाँ पे कस्टम इफेक्ट वाला फीचर आ जाएगा, इस पर क्लिक करोगे तो ये देखते कुछ इस टाइप में देखने को मिलेगा। लेकिन ये जब भी ओपन होगा, जब कोई ईयरफोन आप कनेक्ट करके रखेंगे या कोई ब्लूटूथ वाला ईयरफोन मैंने कनेक्ट कर रखा है तो इस पर देखने को मिलेगा। इसके अंदर पर्सनलाइजेशन साउंड आप क्रिएट कर सकते हैं, जो भी आपको देखते हैं ईयरफोन में आप सुन सकते हैं, और यहाँ पे जो भी पसंद आ रहा है इस पर क्लिक कीजिए, इस पर क्लिक कीजिए, और एक पर्सनलाइजेशन साउंड आपको क्रिएट करके देगा यार, काफी अच्छा फीचर आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज आप यूज करना है तो बेसिकली आप कर सकते हो पर्सनलाइजेशन साउंड यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो। फीचर भी आपको यहाँ पे हिडन देखने को मिलता है, जिसके लिए सर्च करना पड़ेगा MAUI GX, यहाँ पे सर्च करोगे तो ये चीज आपको देखने को मिलती है। हालांकि इस फोन के अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट है नहीं, लेकिन किसी फ्रेंड को दिखाना चाहते हो ये इन डिस्प्ले जो ऐप कुछ, तो कुछ इस टाइप में ये देखने को मिलता है। हालांकि ये इन डिस्प्ले वाला फोनों का वाला फीचर है, लेकिन ये आपके में वर्क नहीं करेगा, लेकिन किसी फ्रेंड को दिखाना चाहते हो तो दिखा सकते हो, और काफी अच्छे देखने को मिलते हैं, मतलब इन डिस्प्ले वाला फोन वाला फीचर इसमें देखने को मिलते हैं, लेकिन हिडन करके रखे हुए
तो इसका भी यूज करना है तो बेसिकली आप कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात किया था वो आपको देखने मिलता है मोबाइल की सेटिंग में, ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का फीचर इसमें देखने को मिलता है। सबसे पहले यहाँ पर नोटिफिकेशन इफेक्ट का फीचर देखने को मिलता है, जब भी कोई नोटिफिकेशन आए एज लाइटिंग किस प्रकार से आने चाहिए वो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज की बात किया तो वो आपको देखने मिलता है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले वाला फीचर, इसमें काफी सारे इनके खुद के वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, जो कि खुद का क्रिएट करना है तो खुद का भी आप क्रिएट कर सकते हो, टाइमिंग वगैरह देखने को मिल जाता है, ये काफी सारी चीजें आपको देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पे कस्टम इमेज का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, खुद का क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, जैसे कि मैंने ऑलरेडी ये क्रिएट किया हुआ है, कुछ इस टाइप में देखने को मिलते हैं। अब बेसिकली आप ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो सिलेक्ट कर लोगे, ये तो मुझे पता लग गया, ये आप कस्टम खुद का बना लो, जैसे कि मैंने ये बना लिया। अब इसमें रिंग लाइट को ऐड और कर देंगे ना तो काफी अच्छा लगेगा। उसको ऐड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना पड़ेगा, एक प्ले स्टोर से एक एप्लीकेशन की आपको मदद लेनी पड़ेगी जिसका नाम है आपका रिंग रिंग। रिंग रिंग जैसे ही सर्च करोगे आप, तो सर्च करने के बाद देखते कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा। इस पर आपको क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड करके आपको अपने फोन के अंदर ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद स्टार्ट पर क्लिक करेगा, परमिशन मांगेगा वो दे दीजिएगा, उसके बाद ये करना होगा। उसके बाद देखते कैमरा के अराउंड यहाँ पे एक लाइटिंग तो आ चुकी है, ये ध्यान रखना। उसके बाद यहाँ पे इसके साइज को आपको सेट करना पड़ेगा, इसे कैमरा के अराउंड पूरा फिट करना पड़ेगा इस हिसाब से, जो मैं ऑलरेडी सेट कर लूंगा। और यहाँ से आपको कलर वगैरह सेट कर लेना है, जैसे कि मैंने येलो कर दूंगा इसको, और यहाँ पे सारा सेट करके दिखाता हूँ कितना अच्छा लगता है देखने में, जो कि आप कर ही लेना। तो अनेबल हो जाने के बाद देखते हैं कुछ स्टेप में ये इफेक्ट देखने मिलता है, और ये दिखा देता हूं। सबसे पहले यहां पे देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जाके, यहां पे देखते हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में कुछ इस प्रकार का आपको इफेक्ट देखने को मिलेगा, देखने में काफी अच्छा लगता है। और यहां पे एक चीज और दिखा दूं, यहां पे एज लाइटिंग के साथ ही और भी खूबसूरत लगता है, जैसे कि यहां पे देखते हैं कुछ इस टाइप में आएगा, और यहां पे इसकी फोटो भी दिखाऊंगा कुछ इस प्रकार की आपको देखने। तो देखते हैं कुछ इस टाइप में ये इफेक्ट देखने को मिलता है, देखने में काफी अच्छा लग रहा है। तो यही कुछ आपको देखने मिलते हैं पोको एक्स फाइव प्रो के ट्रिप्स एंड ट्रिप्स और हिडन फीचर। आई होप आज की वीडियो पसंद आई, पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलता है नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड बाय। जय हिंद, वंदे मातरम।